सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल परिसर में मौजूद मस्जिद में स्थानीय लोगों के अलावा किसी और को जुम्मे की नमाज अदा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को जस्टिस AK सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, इसे हम बर्बाद नहीं होने दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की नमाज अदा करने के लिए ताजमहल ही क्यों, आगरा में और भी मस्जिद हैं, बाहरी लोग वहां जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। 24 जनवरी 2018 को आगरा के एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश में कहा कि जो लोग आगरा के निवासी नहीं हैं उन्हें ताजमहल परिसर में स्थित मस्जिद में सुरक्षा कारणों से जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस फैसले के खिलाफ ताजमहल मस्जिद प्रबंधक समिति के अध्यक्ष इब्राहिम हुसैन जैदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, BGB TV हिंदी।